क्या बात है, क्यों उदास लग रही है जहां? कह रही है कि बेटी पराई होने वाली। चाची, आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? मुझ पर यकीन नहीं है क्या? यकीन रखिए, आप दोनों से तो ज्यादा ही मैं जबी को खुश रखूंगा मैं। जहारा, मैं जबी जितनी आप लोगों को अजीज है उससे बहुत ज्यादा हमें प्यारी है। हम इंशाल्लाह उसे बहुत खुश रखेंगे। इंशाल्लाह। बस दिल उदास हो रहा है। अरे भाई, उदास होने के बजाय दुआएं दो बच्चों को, बल्कि हम सबको दुआएं दो, अपने लिए भी करो कि इस घर में अल्लाह पाक अपनी रहमतें अपनी बरकतें इसी तरह नाजन करता रहे। आमीन आमीन। चाचू, आज से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। आज के बाद आप सिर्फ मेरे चाचू नहीं बल्कि मेरे बाप की जगह भी ले लेंगे। और मुझ पर भरोसा रखिए, मुझसे जो कुछ हो सके, जो कुछ मेरे बस में हुआ, मैं जमीन के लिए जरूर करूँ। उसके आँख में कभी आंसू नहीं आने दूँ। मुझ पर भरोसा रखिए, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम पर पूरा भरोसा है। और ये बात तुम आज कह रहे हो, मैं तो हमेशा तुम्हें अपना बेटा मानता, लेकिन ये मत भूलना कि मीटिंग सौंप रहा हूं तुम्हारे हवाले। वो मेरा दिल का टुकड़ा नहीं है, यूं समझ लो पूरा दिल तुम्हें सौंप रहा हूं। और तुम तो जानते हो, दिल को अगर हल्की सी भी चोट आई ना, तो जान भी नहीं जाएगी। चाचू, चाचू किसी बात कर रहे? अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। अच्छी अच्छी बात करें, ऐसा मत बोले प्लीज। अरे भाई, तुम लोगों ने बहुत जज्बाती गुफ्तगु कर ली, अगर इसी तरह बोलते रहे तो हम सब रोने लगेंगे, और हम रो दिए तो इनके मेकअप खराब हो जाएंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। मेरा ख्याल है कि इस मौके पे हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि हमारे रिश्ते अल्लाह पाक इसी तरह कायम रखे, और जो हमारे दिलों में सख्ती पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हम दूर हो जाते हैं, वो कभी ना हो, और अल्लाह हमारे दिलों को मिलाए रखे। आमीन। इंशाल्लाह ये बच्चे इस घर की खुशियों में और इजाफा करेंगे, और बहुत जल्द हम दादा दादी और आप लोग नाना नानी बन जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह बहुत बस जुबान मुबारक कर। आमीन। अच्छा भाई, क्या करें, अब यहीं खड़े रह रहे हैं? चलें, बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ अब चलते हैं। बस एक बात करना चाहता हूँ आप सबसे। फिर शादी के हंगामों में बिजी हो जाऊंगा, शायद कह ना सकूं। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू गाइस। मुझे लगा क्या देना चाहिए। वी लव यू। चलिए मियां, देर हो गई है। एक मिनट, रूम से जा। आप चलिए ना, मैं गाड़ी में बैठ। मुझे रेड लिपस्टिक दे दो। लेकिन वो फैशन में नहीं है। कोई बात नहीं, शादी किसकी हो रही है? आपकी। और फिर मर्जी किसकी चलेगी? आपकी। दो वो जो मांग रही है। अरे नहीं, वो वाली, ये वाली लगाओ, ये वाली ज्यादा अच्छी है। और जल्दी तैयार हो जाओ, आया आ गई ना तो सारा सुकून बर्बाद कर देगी। मुझे भी अभी रेडी होना है। अरे मुंह छुपाओ, जल्दी करो। क्यों मुंह छुपाओ? ऐसे कैसे मुंह दिखा दे? हाँ तो कैसे दिखा दे भाई, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी यार, तुम हर चीज में पैसे, तो कौन दिखाता है ऐसे मुंह? इतना तो पता होना चाहिए ना रस्म और रिवाज का। अच्छा अच्छा, ये ये क्या है? 500। इतने कम पैसे, ये देख लो इतनी वैल्यू है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं, तुम हद हो गई तुम मेरे। ये अब और नहीं मांगना, चलो चलो चलो, शाबाश। खान को ना खुद थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए इतने पैसे देते हुए। लेकिन निकल लेना, ठीक है, चल शाबाश। जा रही हूँ, जो बात करनी है जल्दी कर लेना, आरा के आने से पहले। तो ये कौन सी रस्म थी? कुछ जरा सा सब्र नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना सबर। इतने अरसे तक तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने का सपना देखा है, हकीकत हो रहा है तो देख तो लेने दो। तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरा ही चेहरा देखना है? हकीकत
तुम्हारा ही देखना है, नो तुम्हारा देखना। बल्कि मुझे तो लगता है कि एक जिंदगी कम है इस सब के लिए, हजार जिंदगी हमें कम पड़ेंगी। हाशिम तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। अल्लाह ताला हमें हर बुरी नजर से बचाए। सुनो, तुम्हें वो तायब के साथ जाना था ना? हाँ, लेकिन दिल नहीं कर रहा ना। क्यों दिल नहीं कर रहा? फिर क्या दिल कर रहा है तुम्हारा? मैं दिल कर रहा कि मैं तुम्हारी शान में, तुम्हारे हुस्न में कसीदे सुनाओ ना। सात रंगों की सतरंगी फीकी मेरे प्यार के आगे, चांद भी धीमा फूल भी बेरा, यार तेरे दीदार के आगे। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। बड़ी मुश्किल से याद किया मैंने, पता चल रहा है मुझे। यार तुम शायर भी बन गए हो। बोले तो शायर क्या, मैं मजनू रोमियो और कौन सा होता हूँ। अच्छा जाओ फिर, देखिएगा जाओ। जाओ, पैसे भी दिए अब तो। मुझे तैयार होने तो, फिर देर हो जाएगी। आ जा रहा हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं, वो आ रहा आ गई ना। तुम्हें भी तो जाना है ना, जल्दी से जाओ। अरे ताया अब्बू के साथ जाना था ना, जाओ, वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जी, अबे अब तक इसी तरह फिर रहा, तैयार नहीं हुआ? जल्दी से तैयार हो और मेरे साथ निकल ले ऑन के लिए। अब्बा मियां, अभी तो मैं ड्रेस लेकर आया हूँ, प्रेस करना है, नहाऊंगा, चेंज करूंगा, बाल बनाने मुझे टाइम लग जाएगा, और वैसे भी मैं सुबह ही तो हॉल से होके आया हूँ। देखिए ना अम्मा, मैंने सिर्फ हुसन आरा को एक काम कहा था कि फूलों का थाल सजा देना, मगर मजाल है वो हड्डा नाम किसी काम को हाथ लगाए। सुबह से तैयारियां तो ऐसे करती फिर रही है, पता नहीं उसकी शादी है। अरे अम्मा, आज के दिन तो छोड़ दें, आरा वैसे ही बहुत कम खुशियां मनाती है, बख्श दे उन्हें, मत करवाए काम आज उनसे। अच्छा भाई ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ हॉल, जाके देखूं काम वाम ठीक से किया है कि नहीं किया है उन्होंने, और तुम लोग ना तैयार होके जल्दी से वक्त पे पहुंच जाना। आप फिक्र ना करें, हम पहुंच जाएंगे, बस आप आराम से जाएं, सारे इंतजामात अच्छी तरह से देख लें। यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? अब आपको याद है यहाँ से वो पिछली गली में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, वहाँ पर आप बचपन में मुझे रोस्ट कराने लेके जाया करते थे। खास तौर पर जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आता था, बहुत जिद करता था तुम। आज पता नहीं मेरा क्यों दिल चाह रहा है कि मैं वो मोमेंट्स को दोबारा जीन, बच्चा बनना चाहता हूँ। आप जब मुझे गोश्त खिलाने ले जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चल फिर आजा, बाप बेटा मिलके ईद मनाते हैं। होता हाँ, आजा। मोबाइल ऐसे नहीं है भाई, मेरे पास क्यों है? आई कसम से कुछ भी नहीं है। अरे भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी ओए। बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे को देख। पाजी, 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 पाजी। सामने गया, पाजी, पाजी, पाजी। अगर और करें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पाजी, किसने कॉल किया मुझे? चलो, कॉल किया। हेलो एम्बुलेंस, पाजी मेरे भाई आगे गोल, आजम आगे गोल। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।